नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विक्रम धोई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो जो है इस प्रकार है कि मतलब जब हम ट्रैक्टर लेते हैं तो वहाँ पे वारंटी गारंटी हमें बताई जाती है। जैसे मान लो अब यही है फार्म ट्रैक 60, तो फार्म ट्रैक के सभी ट्रैक्टरों पे जो है ये कंपनी क्लेम करती है कि पूरी 5 साल की जो आपको वारंटी देती है। पहले तो दोस्तों मैं आपको गारंटी और वारंटी की बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों जो वारंटी होती है उसके अंदर आपकी चीज़ में अगर कोई भी डिफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको जो है कंपनी सोल्व करके देती है। मतलब मान लो इसकी अभी गियर बॉक्स में कोई दिक्कत आ गई तो आपको जो यही गियर बॉक्स जो है रिपेयर करके दिया जाएगा, उसको बोलते हैं वारंटी। और जो दोस्तों गारंटी होती है, कईयों को तो मालूम नहीं होता गारंटी होती है, जो उसमें होता है जो कि मतलब अगर आपको जिस चीज़ में दिक्कत आ गई तो वो नया पीस देगी आपको। अभी मान लो ट्रैक्टर के इंजन में प्रॉब्लम आ गई, अगर इसकी वारंटी है तो इसको रिपेयर करेंगे, अगर गारंटी है तो इसको पीस को ही चेंज करेंगे वो गारंटी के अंदर। तो ये होता है दोस्तों गारंटी और वारंटी के अंदर डिफरेंस है। तो दोस्तों फार्म ट्रैक जैसे मैं बता रहा था, कंपनी क्लेम करती है कि जो है 5 साल की जो है वारंटी देती है। जब कोई किसान लेने जाता है, किसान जो भोले भाले होते हैं उनको इतना नहीं मालूम होता है, कई किसान काफ़ी भोले होते हैं, उनको बोल देते हैं कि आपके ट्रैक्टर की जो है 5 साल की वारंटी है, किसी तरीके से चलाओ। वो सोचते हैं कि हाँ 5 साल तक अगर कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लेता ट्रैक्टर ऐसा सुनने के बाद। लेकिन जब उसके ट्रैक्टर में कोई समस्या आती है दोस्तों, तो वो बोलता है कि मेरी 5 साल की वारंटी है तो इसको करो ठीक। तो फिर बोलते हैं कंपनी वाले कि नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा। वो बोलता है क्यों, आपने तो बोला था 5 साल। कि नहीं सर, हमने तो बोला था कि गियर बॉक्स की मतलब जो है इसकी वायरिंग की और लाइटों की इनकी कोई वारंटी नहीं है, और जो है सर इंजन और गियर की सिर्फ 5 साल की है, इससे अलग तो पंप की है। मान लो अगर पंप में प्रॉब्लम आई है, लिफ्टों में प्रॉब्लम आई है, या तो इसकी तो सर 1 साल की है। तो बोलता है कि नहीं यार आपने 5 की बोली थी। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा केस होता है। और उसको मतलब वो रिपेयर करवाता, मान लो चलो इंजन में आ गई, इंजन और गेयर बॉक्स की वो 5 साल की बोलते हैं फार्म ट्रैक, या और भी कोई कंपनी मान लेना, मैं ऐसा नहीं स्पेशल फार्म ट्रैक का नहीं बोल रहा हूँ। तो मान लो इसके गियर और इंजन में प्रॉब्लम आ गई, चलो अब इसकी 5 साल की है, तो वो फिर इसका चार्ज लगाएंगे कि लेबर चार्ज। किसान बोलेगा कि ये पैसे किस लिए, वो बोलेंगे सर लेबर चार्ज तो लगेगा। तो किसान को फिर होगा कि यार ये लेबर चार्ज अभी ये कैसे लग गया, आपने तो बोला था 5 साल की है, तो उसमें लेबर भी लग गया। और अगली रही बात गियर बॉक्स की और इंजन की, तो अगर आपका 5000 घंटे चल गया ट्रैक्टर, 5 साल की है, और अगर 5000 आपका 5 साल से पहले चल गया, मान लो आपका ट्रैक्टर 3 साल में 5000 घंटे पूरे चल गया, और आपके इंजन में या गियर में कोई भी कमी आ गई जो 5 साल का बोलते हैं, तो आपकी 5 साल की नहीं जुड़ेगी, वो भी आपकी जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी 5000 घंटे चलते ही। मैं तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि अगर मतलब कोई भी किसान ट्रैक्टर लेता है तो पहले ये सब चीज़ें पूरी उससे खोल के बात करें डीलर से, या जिससे भी आप जहाँ से भी ट्रैक्टर ले रहे कि हमारी अभी बता दो कि लेबर कितना लगेगा या मतलब क्या कुछ है। क्योंकि ना तब तो बेचने वाले पूरी बात नहीं बताते डीलर, मतलब जो भी है या सेल्समैन, वो किसान को बेचने से पहले ये बातें नहीं बताते कि इसकी 5000 घंटे तक है, या फिर इसकी जो है पंप की 1 साल की है, और लेबर चार्ज भी लगेगा, वो पहले ये बात नहीं बताते। लेकिन फिर किसान को बाद में पता चलता है तो दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है। तो मैं किसानों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप जब ट्रैक्टर लें तो ये बातें जो है डीलर से पूरी खोल लें कि आप अभी बता दीजिए हमें कि क्या लगेगा, अगर दिक्कत आ जाती तो क्या होगा। बोल देते कि मिस्त्री का लेबर लगेगा, फलाना लेबर लगेगा, हर चीज़ का लेबर लगेगा। अगर आपने दी है तो आप जब पैसे लेते हो तब ये बात नहीं बताते क्या, जब ट्रैक्टर दे देते हो आपको, जब तो ये सोचते हैं कि चलो ट्रैक्टर बिक रहा, हाँ आपको ये भी मिलेगी 5 साल में, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। लेकिन समस्या जब खड़ी होती है, जब ट्रैक्टर में कोई कमी आती है, तब ये झगड़ा पड़ता है कि इस पर पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। तो लेबर के भी मैं बोलता हूँ कि नहीं लगने चाहिए लेबर के भी, क्योंकि किसान के पास इतना बेकार का पैसा नहीं है कि ऐसे ही किसी को भी दे दे। डीलर का बहुत मार्जिन होता है एक ट्रैक्टर के अंदर, वो मतलब किसान को ना ऐसे मतलब ठग लेते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। तो आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसा कंपनियाँ क्लेम करती हैं वैसा काम नहीं करती। तो आपको बस वो ये 2-3 चीज़ें वो नहीं बताएंगे आपको, ना वो पंप की बताएंगे आपको कि 1 साल की है पंप की, और जो भी मतलब पंप गियर और इंजन से अलग कुछ भी गारंटी मतलब उनकी नहीं है। अभी वायरिंग की नहीं होती, मान लेते हैं वायरिंग की भी कोई गारंटी नहीं होती, लाइट वगैरह की भी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन और भी कई समस्याएं होती हैं छोटी मोटी जो
ट्रैक्टर में हो जाती है गियर के अंदर या मतलब क्लच प्लेट के अंदर हो जाती है एक साल से पहले ही। और अभी आप एक बात मान लीजिए, क्लच प्लेट मान लेते हैं कि क्लच प्लेट की कोई गारंटी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे जाते हैं उसके, वो ठीक है चलो नहीं गारंटी। लेकिन मान लो अगर बिना चलाएं क्लच प्लेट के अंदर दिक्कत हो तो उसका भी बोलते हैं कि नहीं सर इसी क्लच प्लेट की नहीं मिलेगी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मतलब कंपनियां जो है किसान को ठग लेती है उन तरीकों में। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैक्टर लेते हैं तो पहले ये पूरा पूछ ले कि हाँ मेरी किस किस चीज़ की गारंटी मिलेगी और कितनी मिलेगी। आप मतलब उनके बहकावे में न आकर सारी डिटेल पूछे ट्रैक्टर की कि हाँ अगर मेरा इससे एक साल से पहले ये हो गया तो इसका क्या होगा, मेरा लेबर लगेगा नहीं लगेगा, मैं लेबर नहीं दूंगा, ये पहले ही खोल करें। क्यों, जब उनको ट्रैक्टर बेचना होता है तो इतना अच्छा बोलते हैं और बोलते हैं कि नहीं सर आपका सब ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका गारंटी अगर आपकी वारंटी निकल भी गई ना तो भी हम आपका ठीक करके दे देंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर में समस्या आती है ना तो वो कुछ नहीं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं सर ये तो आपकी वजह से हुआ है, इसमें तो हमारी कोई है ही नहीं, अभी मान लो इंजन की है, अभी ट्रैक्टर ने कहीं से रेत मतलब एयर क्लीनर से चला गया या थोड़ा बहुत वगैरह कोई पानी में मतलब इसमें घुस गया तो थोड़ा बहुत इंजन में आ जाता है टेक्निकल फॉल्ट, कई बार भी वैसे भी आ जाता है, तो उसमें किसान की क्या जिम्मेदारी है? अभी किसान हमेशा उसके ऊपर थोड़ा खड़ा रहेगा, समस्या तो आ सकती है, अगर समस्या नहीं आती तो फिर क्या ज़रूरत क्या थी फिर लेने की कंपनी का। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी वो उसका जो है अच्छे तरीके से उसका जो है भरपाई करे, उसको ठीक करे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इंजन में आ गए सर ऐसा आपने ये आपकी कमी से हुआ सर इसकी गारंटी हम नहीं देंगे, इसमें पानी घुस गया इसकी गारंटी हम नहीं देंगे, अरे तो क्या ये घर पे खड़े करने के लिए बनाए हैं क्या, ये खेत में चलाने के लिए तो बनाए, अगर खेत में चलते चलते भी कमी आएगी तो कौन करेगा इसको ठीक, वो भी किसान की जिम्मेवारी की। नहीं सर आपने इसको धूल में चलाया तो ये नहीं सर ये तो हमारी गारंटी नहीं है, अरे इसको धूल में चलाएंगे इसको फूल थोड़े लगवाने, हमें ब्याह शादियों के लिए थोड़ा लिया ये हमने खेती करने के लिए। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब ट्रैक्टर लें तो पूरा बहस करके हर एक चीज़ पे पूरी तसल्ली करके और फिर ट्रैक्टर लें, पहले ये बोल दें कि अगर हमारे में कमी आ गई तो ये हम लेबर वेबर चार्ज नहीं देंगे। अभी तो थोड़े दिन की बात है मेरे ट्रैक्टर में मतलब मैंने मेरे चाचा जी उनको दिलवा रखा है ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 60% पावर मैक्स, उसकी एक नाली लीक हो गई मतलब प्रेशर कटाई वाली जो ये वाली नाली लीक हो गई। मैं चला गया वहाँ पे, गारंटी में था वो मतलब 5-6 महीने हुए थे, तो मैं जाके बोला कि सर ऐसा ऐसा ये लीक हो गई और गारंटी में है, उन्होंने चेंज कर दी और बाद में बोले कि साइन कीजिए और 50 रुपये दे। मैं बोला 50 रुपये किस चीज़ के, बोले कि सर जो आने का वो टैक्स लगता आने जाने का। मैंने बोला ये कहीं जहाज में आई है या ट्रेन में आई है जो इसका टैक्स लगेगा, कमाल करते यार उनके इतना सामान आता है उसका भी वो ऐसे बस उनको पैसे लेने से मतलब, मैंने नहीं दिए उसको 50 रुपये। तो आपको भी मतलब ऐसे ट्रैक्टर लेने से पहले मैं जो बेचने वाले उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप पहले ना किसानों को सब बताएं कि ये चीज़ है, लेना हो तो ले ना ले, ये बाद में इस तरीके की दिक्कत फिर इसलिए आती है बहुत सारे किसानों के साथ ऐसा होता है कि डीलरों के साथ झगड़ा होता है और वो झगड़ा होने की वजह यही होती है, पहले बात नहीं होती बाद में वो तंग करती है फिर। तो यही पहले अपने खुल के बातचीत करें और बाद में ट्रैक्टर लें। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी बोल देते हैं डीलर की सर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में फिर नहीं ठीक करते, कोई भी दिक्कत आ जाती है किसान को बोलते हैं सर नहीं गियर बॉक्स में आ गई, नहीं सर आप ऐसे झटके से गियर लगाते थे गियर टूट गया तो अब हम इसमें क्या करें, तो क्या इसको ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे दबा के आराम आराम से 1 घंटे में इसको उधर तक लगाएं क्या? ये ट्रैक्टर जो है कठोर कामों के लिए होते हैं, जो हार्ड काम होते हैं उनके लिए ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, वरना फिर गाड़ी ले ही नहीं लेंगे हम अगर गियर ऐसे बिल्कुल आराम से लगाना पड़ गया तो। इंजन है धूल में चलेगा वो तो जाएगा इंजन, ये धूल में ही चलने के लिए ना ट्रैक्टर, अभी इसको गाड़ी की तरह थोड़ी चलाएंगे हम लोग ट्रैक्टर को। तो आप इस बात को दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखें, डीलर से पहले ये बात कर लें कौन से भी कंपनी का ट्रैक्टर हो कि कितने साल की वारंटी है कितने घंटों लगे और हम लेबर चार्ज वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा वो पूरी आप पहले ही जांच पड़ताल करके फिर ट्रैक्टर लें। और जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लो ट्रैक्टर ले लिया हमने 8-9 लाख 7 लाख का ट्रैक्टर जब इतने पैसे लगा के ले लिया, कई बार छोटी मोटी चीज़ें टूट जाती हैं हमसे, मान लो जैसे हुक वगैरह टूट जाती है या ये जो टोपलिंग होती है वो मुस जाती है या मुड़ जाती है, तो डीलर से हम जब लेने जाते हैं तो
क्या पता 50 रुपए की चीज बदल झगड़ा कर ले किसान से कि नहीं इसके तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अरे यार जब आपसे उन्होंने 7 लाख का ट्रैक्टर लिया है तो आप 50 रुपए की चीज बदल भी झगड़ा करते हैं, ये भी शर्म की बात है ना। अगर आप ऐसे मतलब करेंगे तो आपका क्या होगा, ऐसे काम नहीं चलता। अगर मान लो 7-8 लाख का किसान ने आपसे ट्रैक्टर लिया है तो 50, 100, 200, 500 वाली चीज की कोई बड़ी बात नहीं होती, लेता तो लेने दो, उससे आपका इमेज भी अच्छी बनेगी आपकी, वहाँ की छोटी मोटी चीजों बदलिए झगड़ा नहीं करता है, ये बातें भी होनी चाहिए। रोक दे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।